वेलकम टू माय चैनल रमन इंडियन। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं रेलवे वेटिंग क्लियर होने से संबंधित वीडियो बना रहा हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं जिस तरह का सिस्टम देख रहा हूं, मन नहीं कर रहा था मैं किसी तरह का वीडियो बनाऊँ। पिछले दिनों जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जितने भी हंगामा हुआ, उन सभी में एएलपी और टेक्नीशियन के बच्चे शामिल थे। 14 जून को जो भी सर्कुलर जारी किया गया था रेलवे से, वो दोनों के हक के लिए था। लेकिन कुछ कुछ बोर्ड के जीएम के द्वारा, रेलवे के महामहिम के द्वारा, उच्च पदाधिकारी के द्वारा जो एक खेल खेला गया है टेक्नीशियन के बच्चों के साथ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर एक बोर्ड का यह निर्णय लिया गया कि टेक्नीशियन के बच्चों का वेटिंग क्लियर नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ बोर्ड इस तरह का कारनामा किया है। मैं इस बात पर पुनः लौटूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, यह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मनोज कुमार झा, यह 28 तारीख को जो रेलवे कमेटी की बैठक हुई थी एएलपी और टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग संबंधित को लेकर, कि उन लोगों का क्या करना है, उस मीटिंग में ये महाशय भी मौजूद थे। और इनका कहना है कि मैं रेलवे स्टैंड बाय के जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए मैंने आवाज़ उठाई और यह मेरे लिए बहुत सुखद क्षण था। और मेरे इस बात से, मेरे इस मांग से जितने भी सदस्य थे, उन्होंने भी एकजुटता दिखाई। मैं एक और आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर सुमेर सिंह, ये महाशय राज्यसभा के सांसद हैं, डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी मध्य प्रदेश से, ये महानुभाव भी उस मीटिंग में शामिल थे और इन्होंने भी वेटिंग क्लियर करने संबंधित अपना योगदान दिया है। तो अब जहाँ तक बात हो कि रेलवे टेक के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी का क्या होगा, उन सभी के साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है कि सारा वेटिंग एएलपी की क्लियर होने ही वाली है, सबका क्लियर हो ही जाएगा, लगभग सबका कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, सब कुछ मिला के 5-6 हज़ार बच्चे। तो मैं एक बार पुनः रेलवे के उच्च पदाधिकारी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी टेक्नीशियन के बच्चे हैं, उन सभी का भी किसी न किसी रूप में आप क्लियर कर दें, क्योंकि जितनी मेहनत एएलपी के बच्चे किए हैं, उतनी मेहनत टेक के बच्चे भी किए हैं। यही सब बातें हैं, मैं विशेष क्या कहूँ, यही बातें था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। और जैसा भी कोई टेक से संबंधित अपडेट होगा, मैं फिर आप लोगों से, साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पहले की लड़ाई एकजुट की लड़ाई थी, सभी मिल के लड़ रहे थे एएलपी और टेक्नीशियन जेई वाले, लेकिन अब गुट बट चुके हैं। एएलपी का जिस तरह का सिस्टम लागू हो चुका है कि उनका वेटिंग क्लियर होने होने को है, तो वो हमारे आपके प्रोटेस्ट में क्यों शामिल होंगे, वो हमारी आपके बातों को क्यों रखेंगे, वो किसी भी तरह का उलझन लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए दोस्तों, लड़ाई अपने हक की है। जो भी अपने बोर्ड के नज़दीक हैं, वो प्लीज़ अपने बोर्ड में जाके कॉन्टेक्ट ज़रूर करें। अगर दिल्ली जा सकते हैं तो दिल्ली भी जाए, क्योंकि दिल्ली भी अभी कुछ बच्चे पहुँचे हुए, यूथ इंटेंशन ग्रुप के बच्चे दिल्ली पहुँचे हुए हैं। और जैसा कि हमारे एक भाई हैं संजीव घोप जी, मैं उनसे बहुत प्रेरित रहता हूं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपने जो यह टेक वालों का जिम्मा उठाया है, उनके लिए आप लड़ रहे हैं, उनकी बातों को आप रख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और हमसे जितना बन पाएगा, वो हम लोग सब कुछ मिल के करेंगे। तो फिर आगे किसी भी तरह का अपडेट होगा, तो मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।